सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धि पंच भगवंतों की देवादि देव एक श्री शांतिनाथ भगवान की गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की तीन कम नौ कोटि महामुनराजों की बंधु अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के सर, पावन और पुनित शासन में हम सभी विराजते हैं तीर्थंकर जिनेंद्र के पीस देश ने मनुष्यों हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है आपका जीवन सामान्य भी है और आपका जीवन विशेष भी है जैसा आप जीना चाहें वैसा आपका जीवन है मनुष्य पर्याय सबको एक से मिली है आपकी भाषा में कहें सभी ह्यूमन बींग सभी मनुष्य हैं कुछ स्त्रियां हैं कुछ पुरुष हैं और अगर बात करें और अंदर जाने की तो जो पेड़ आपके आसपास दिख रहे हैं ये भी लिविंग थिंग्स है नॉन लिविंग थिंग्स नहीं इनमें भी जीव है इसमें भी जीवन है अब वो जमीन में घूम रही चींटी हो आपके आजू बाजू उड़ रही उड़ रही मक्खी हो आकाश को छूते हुए पक्षी हो सब में जीवत है लेकिन कुछ लोगों का सामान्य है और कुछ लोगों का विशेष है ये सामान्य और विशेष क्यों है इस सामान्य और विशेष में कौन कारण है चिंतन करना अंदर जाना कुछ मनुष्य सामान्य हैं और कुछ मनुष्य विशेष हैं। आप कौन सी श्रेणी में हो मैदान में उतरे ग्यारह खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं समझना मैदान में उतरे ग्यारह खिलाड़ी सभी क्रिकेट खेल रहे हैं मुझे कोई मतलब नहीं सामान्य मनुष्य आज मैं जो बात करने जा रहा हूं उसका विषय समझ लेना कि आत्मा को भी भोजन दें आप लोग सिर्फ शरीर को भोजन देने में लगे हो सुबह से उठ के चाय पानी रात को सोने तक खाना पानी बस यही चलता रहता है और क्या चल रहा है बताइए कमा रहे हैं तो भोग के लिए खर्च कर रहे तो भोग के लिए क्या चल रहा है कोई गरीब आ जाए बोले हमको पढ़ना है हम गरीब हैं हमको पढ़ना है हाँ आगे बढ़ो साहब मेरा बेटा भूखा है साहब कुछ खिला दो आगे बढ़ो तुमने आगे बढ़ा दिया उसको और तुम्हारा बेटा हो रहा है पापा हमको तो चॉकलेट खाना है लो पांच सौ का नोट खा लो अपने बेटे को पांच सौ देके दे के चॉकलेट खिला दी आपने कम से कम एक गरीब के बच्चे को दस रुपए का एक बिस्किट का पैकेट दिलाकर के दो रोटी खिलाकर के उसका भी तो पेट भर सकते हो आप सामान्य में हो कि विशेष में खोजिए सामान्य व्यक्ति शरीर को भोजन देता है और वो भी कौन सा अनियमित नियमित दोनों योग्य भी अयोग्य भी सीमित भी असीमित भी सुंदर भी असुंदर भी अभी इंदौर डांडिया चालू हो गया क्या इंदौर में गरबा डांडिया होने वाला है प्रैक्टिस चालू हो गई है ओ भाई वो दो बजे तीन बजे जितने बजे फ्री होते हैं वहाँ से छूटते हैं जिस ठेले में जो मिलता है वो खाते हैं कच्चा हो तो बासा हो तो गलत तो नहीं कह रहा हूं देवेंद्र भाई नहीं तो अपने कुंवर साहब से पूछ लो सही है कि नहीं? नहीं क्रिया सही है नहीं लेकिन मैं जो कह रहा हूं सही है कि नहीं अनियमित भोजन और नियमित जो मिल जाए वो जब मिल जाए जैसा मिल जाए योग्य अयोग्य से कोई मतलब नहीं ये सामान्य मनुष्यों की जिंदगी है बच्चे को आप टिफ़िन में क्या लगा के देते हो अब आजकल तो स्कूल में ही व्यवस्था हो गई है फिर भी बच्चों को टिफ़िन लगाते हैं आप लोगों में से कोई माँ क्या देते हो सुबह सुबह टिफ़िन में सब्जी पराठा कब का रहता है मॉर्निंग का कभी कभी ब्रेड जैम मैगी क्या करते हैं समझना अब इतनी ठंडी मेरे सुबह सुबह नहीं उठ सकती हूँ बीस रुपए ले जा कैंटीन में कुछ खा लेना आपने अपने बच्चे को विशेष से सामान्य में लाके खड़ा कर दिया आपने विशेष से सामान्य में कर दिया सामान्य मनुष्य सिर्फ भोगों में लगा है। सिर्फ और सिर्फ भोगों में लगा है। ये खाना है वो खाना और यहां जाना है वहां जाना है पता ही नहीं है कि आप कहा हो कैसे हो क्यों घूम रहे कुछ आपको होश ही नहीं है नियमित और अनियमित लिमिटेड अनलिमिटेड भोजन ओ अनलिमिटेड अनलिमिटेड भोजन चल रहा है भाई जब भोजन करके आप उठे बाहर आए कोई मिल गया आप चाय पी लेंगे हाँ चलो सो एक चाय पी ली आप पान खाए हो हाँ लो पान खा लो एक डेढ़ घंटे बाद किसी ने बोला कचौड़ी खाना हाँ लाओ कचौड़ी खा लेते थोड़े स्नैक्स हाँ चलेगा एक कोल्ड ड्रिंक हाँ चलेगी अरे मशीन है इस मशीन को भी व्यवस्थित रखो एक बार भरने के बाद थोड़ा देर छोड़ो तो आप लोगों के घर में चक्की होगी चक्की अब हाथ वाली तो नहीं होगी हाथ वाली म्यूजियम में मिलेगी बटन वाली होगी इलेक्ट्रिसिटी वाली समझना मैं क्या कह रहा हूं आप उसके निर्देश पढ़ना पूरे या कोई बुजुर्ग हो आपके घर में तो उसको सुनना मेरी दादी माँ कहती थी बेटा जब चक्की हम लोग स्कूल से आते थे हम चक्की चलाएंगे तो वो बटन वाली चक्की रहती थी उसमें सब भर दिया और एक ढक्कन ढाँक दिया ढक्कन क्यों ढाका कोई जीव वगैरह ना गिर जाए लेकिन वो क्या थोड़ा खाली होता था तो मैं उसमें थोड़ा सा और गेहूँ डालता था वहीं रहता था बाजू में दादी माँ कहती थी, थी बेटा ऐसा नहीं करो एक बार पूरी भरो एक बार पूरी हो जाए तो फिर चालू करना मतलब क्या था उनका ये जो लेसन है चक्की का आपके जीवन के लिए लेसन दे रहा हूँ मैं चक्की का वो चक्की का जो इतना यू हिस्सा होता था उसको लब, लब गेहूँ से भर दिया अब इसके बाद दादी माँ कहती थी इसको पूरा होने दो जब पूरा होगा फिर वो उसमें चिप प्लेट आती थी, थी वो लगा देती थी चक्की ऑन है लेकिन पार्टी के बीच में कुछ नहीं है वो रेस्ट है पार्टी का फिर से भरते थे लगभग तीस सेकंड का अंतर आ जाता था फिर उसको वो खींचते थे वापस गेहूं पिसना चालू होता था ये तीस सेकंड का एक मिनट का अंतर क्यों दिया उसको रेस्ट चाहिए हीट हो जाएगा तो मशीन बंद हो जाएगी आप लोग क्या करते हो आप लोग क्या करते हो आवाज आ रही ना आप लोगों को नहीं आ रही आप लोग क्या करते हो आप अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दे रहे और सामान्य लोगों का जीवन है चलो थोड़ा विशेषता की ओर आते हैं जो विशेष जीवन जीते हैं वो क्या करते हैं वो नियमित भोजन देते हैं योग्य देते हैं सुंदर भोजन देते हैं और मित लिमिटेड शरीर को लिमिटेड भोजन देते हैं अनलिमिटेड नहीं देते जितने में शरीर चल जाए बस ये विशेष लोगों की बात है आप लोगों में से कितने सामान्य कितने विशेष है और इन सब से उठ के ऊंचा एक और मनुष्य होता है उसको महापुरुष कहते हैं वो शरीर को के साथ साथ आत्मा को भी भोजन देता है शरीर को देता है भोजन का आहार और आत्मा को देता है ज्ञान आहार और इस ज्ञान आहार के कारण ही वो महापुरुष की श्रेणी में आते हैं ये अकलंग स्कूल कॉलेज शोध संस्थान मैं एक बात पूछता हूँ आप लोगों से आप बच्चों को सिर्फ पढ़ा रहे हैं कि ज्ञान आहार करा रहे हैं और बच्चे सिर्फ पढ़ रहे हैं कि ज्ञान आहार कर रहे हैं एक क्लास में साठ लोगों का बैच है माना कि कितने लोगों का बैच है हमारे समय सिक्सटी का बैच चलता था अब यहाँ जो भी जैसा सीट्स हो तो पंद्रह बीस तो मस्ती करने आते थे आपको ही पता है कि पढ़ेगा नहीं और उन पच्चीस तीस पर आप गौर भी नहीं करते नहीं तो जो पढ़ने वाले हैं उन पर डिस्टर्बेंस आ जाएगा मैं कल कॉपी चेक करा था जब एग्ज़ाम की तो पहली कॉपी मेरे हाथ पे आई और एकदम गधे बच्चे की आ गई तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया मैंने कहा पाँच दिन से पढ़ा रहा हूँ मैं मेरे पास एक एक सेकंड की कीमती है कीमत है फिर भी बताओ इतना इतना गलत कर दिया उसके चक्कर में जो अगली कॉपी चेक हुई जो स्टूडेंट्स को समझना कॉपी क्यों गड़बड़ होती है ये तो मैडम का घर में लड़ाई हुई झगड़ा हो गया तो पूरा गुस्सा कॉपी पर उतर गया है ये तो नंबर देंगे नहीं हटास्क तो होता है होता है लाइफ में प्रैक्टिकल में होता है फिर तो मैंने सेकंड कॉपी चेक की अरे मैंने कहा ये भी ज़्यादा अच्छी नहीं उसका प्रभाव था तो जिसकी कॉपी चेक की वो लेके आए बोले कल मेरे पास बोले महाराज जी चार नंबर कम है पीछे तो नंबर ही नहीं दिया आपने मैंने कहा लाओ, लाओ बढ़ा देते प्रभाव विशेष व्यक्ति नियमित मित और योग्य भोजन करते सुंदर भोजन करते कम खाते हैं व्यवस्थित लेते हैं कुछ लोग होते हो गाय बकरी की तरह समझते आप गाय बकरी आप लोगों में शायद कोई हो मतलब हो भी सकता है मतलब उस बकरी को उस गाय को घुमाते क्यों उसका वो जो चरवा होता है एक जगह लाके पूरी चीज़ें घास रख दे इतना बकरियों के साथ वही पाँच पाँच दस दस किलोमीटर घूमता है क्यों घूमता है बकरी की आदत है वो एक साथ नहीं खाती न एक साथ खाती न एक साथ जाती है थोड़ा सा पत्ती यहाँ फिर आगे जाएगी चार पत्ती वहाँ फिर एक दो पत्ती वहाँ फिर बबूल के कांटे जमीन की घास वो ये खाएगी एक साथ घास रख दो पूरी कभी बकरी नहीं खाएगी न खाएगी एक साथ ना जी, रस्ते पर वर जीरा बटी करती जाएगी वो क्यों वो बता रही है कि कुछ मनुष्य मेरे जैसे भी हैं एक बार में नहीं बैठ के खाएंगे वो सुबह ब्रेकफास्ट फिर थोड़ा देर बाद स्नैक्स फिर एक चाय फिर दोपहर में लंच फिर थोड़ा कुछ नाश्ता अरे भैया एक बार थाली में बैठ के भरपेट भोजन कर लो और मशीन अपना काम करेगी थोड़ा सा मशीन खाली हुई तुमने तो फिर भर दी थोड़ी सी खाली हुई तुमने तो फिर भर दी खराब हो जाएगी सामान्य विशेष लोगों में ये अंतर इन सबसे ऊंचे उठ के होते हैं महापुरुष वो शरीर को भी भोजन देते हैं आत्मा को भी भोजन देते हैं और वो आत्मा का भोजन क्या है ज्ञान आहार है दोनों का ध्यान रखते हैं और जो शरीर को भोजन देते हैं मित नियमित वो तो शरीर को स्वस्थ रखते हैं जो आत्मा को भोजन देते हैं वो है अध्यात्म का भोजन वो कभी रोग ही नहीं होते वो एक ज्ञान आहार मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप लोग वही बुक तो हर दिन पढ़ाते हो वही सब्जेक्ट है साइंस है केमिस्ट्री है मैथ्स फिजिक्स इकोनॉमिक्स अकाउंट्स वही वही आप हर दिन पढ़ा रहे हो ये तो आप दे रहे हो आपने लिया क्या है खुद भी कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए उस ज्ञान के अर्जन से आपके अंदर फ्रेशनेस रहती है जो मैंने सुबह नीति में कहा था वही मैं भी फिर से कह दूंगा आप बोलोगे तो वही रिपीट कर दिया महाराज ने रटा होगा मैं आपको हर दिन कुछ नया देता हूँ देता हूँ ना ब्यूज भी हर दिन आपको कुछ नया मिलता है तो आप हर दिन आते हो वो ही पुराना घिसा पिटा कोटा कचौड़ी खाते खाते बोर हो जाते हैं थोड़ा चेंज करें लाइफ को अपने आप को ज्ञानाहार से जोड़ें और शरीर का जो भोजन है वो ज्यादा कार्यकारी नहीं है जो आत्मा का भोजन है वो ज्यादा कार्यकारी है एक घंटे में आपको अगर यूं ही बैठाऊं कुछ बिना बोले आप बैठ ही नहीं पाओगे कुछ लोगों का फोन खुल जाएगा कुछ लोगों का टिफिन खुल जाएगा कुछ लोगों का मुंह खुल जाएगा कुछ लोगों का दिमाग खुल जाएगा कुछ लोग सो जाएंगे लेकिन मैं एक घंटे आपको भी यहां ज्ञान आहार दे रहा हूं तो आपका देखो माइंड में क्या क्या चल रहा है चेंजेस आते जा रहे हैं माइंड में अंदर और वही आत्मा का भोजन है ज्ञान ध्यान अध्ययन ज्ञान ध्यान और अध्ययन तीनों आत्मा के भोजन हैं और जिस जिस ने आत्मा को भोजन दिया है इसकी रेसिपी और ये आत्मा का भोजन अध्यात्म की ओर ले जा करके रखता है आप लोग रोगी होगी स्वस्थ हाँ अच्छा कितने लोग स्वस्थ हैं पूछ रहा हूँ मैं स्वस्थ हैं स्वस्थ हैं जिन्होंने हाथ उठाया उनसे बात करता हूं बाकी तो रोगी है कोई बात ही नहीं कितने लोग निरोगी है एक भी नहीं है अरे अंत तो रोगी हो निरोगी हो निरोगी हो दिमाग में कुछ ना कुछ तो रोग लगा है कुछ ना कुछ तो खोपड़ी में चल ही रहा है यार ऐसा हो गया और वैसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए तो वैसा हो गया कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस है आप रोगी हो अब बताओ कितने लोग रोगी हैं कितने निरोगी कोई निरोगी है हो सकते हो निरोगी हो सकते हो आप चीजों को छोड़ते जाओ ज्ञान को जोड़ते जाओ निरोगी होते जाओगे वजन लेकर के चलो तो गति मंदी हो जाती है महावीर जी बड़ला वजन लेके चलो तो गति मंदी हो जाती है आप गाड़ी में अगर किसी के पास कार है कार से आए कि अनलिमिटेड ट्रेन से आए कार से आए ना कितने लोग आए एक गाड़ी में सात और एक गाड़ी में दो होते तो गाड़ी हल्की चलती कि नहीं चलती और सात लोग सात सूट केस पीछे बहुत सारा सामान भर के फुल लोड होकर के आओ गाड़ी भारी चलती कि नहीं नहीं चलती मैं तो कभी नहीं चलाई मैं पूछ रहा हूँ बताओ आप लोग चलती है आपके जीवन में भी आप वजन लेके चल रहे हो वो जो ज्ञान का आहार है वो वजन हटाता है इसलिए ज्ञान आहार करें सबसे पहला आहार ज्ञान आहार ज्ञान आहार मतलब पेपर पढ़ लेना कॉमिक्स उपन्यास और मैगजीन टीवी की न्यूज देख लेना ये ज्ञान आहार है वो ज्ञान वो होता है जो आपको होश में ला दे अभी आप लोग बेहोश हो होश में होके भी ज्ञान वो होता है जो आपको होश में ला दे जो आपको बता दे कि तेरा भविष्य ये है तू कहां गलत रास्ते पर है वो ज्ञान है जो आपको होश में ला दे ज्ञान में होकर भी आप लोग बेहोश हो कोई पैसे के चक्कर में कोई पद के चक्कर में कोई पैसे के चक्कर में कोई पद के चक्कर में संदीप कोई यूं ही बेहोश है बोले मेरे पास घर है तो घर तो चिड़िया के पास भी है मेरे पास बच्चे बच्चे तो चिड़िया के पास भी हैं अरे मेरे एक नंबर का खाना होता है अरे चिड़िया भी खाना खाती है मेरे पास इतनी बढ़िया कार है चिड़िया तो पूरे आकाश उड़ जाती है किस बात पर भी होश हो जान आपको होश लाता है शेष सागर जी जो आपको आप में लगा दे वह ज्ञान है जो आपको आपसे हटा दे वो अज्ञान है फोन आप चलाते हो कॉमेडी रील्स देखते हो कितने लोग देखते कॉमेडी रील्स पसंद है क्या हो रहा है आपको अच्छा अच्छा देखने में मिला अच्छा बहुत मजा आया आज पहले कोई अकेले हंसता था समझते पागल था अब कोई अकेले में हंसे बोले भेजना जरा है यार क्या हो रहा है क्या हो रहा है आप होश में होकर के भी बेहोश हो ज्ञान वही है जो आपको होश में ला दे जो आपको जागृत कर दे सोते हुए भी जाग रहे हो कि जागते हुए भी सो रहे हो साधु भगवान महापुरुष सोते हुए भी जागते हैं और सामान्य व्यक्ति जागते जागते भी सोता है कल मैं छत पर यही रात्रि विश्राम कर रहा था छत पर जो मैंने साढ़े नौ साढ़े नौ बजे सोया होगा तीन बजे मेरी नींद खुली मैंने पूछा सहसा से इशारे में कितना बज गया है तब तो वो उंगली दिखा रहे तीन और चार अब मुझे कोई दिख नहीं रहा वो आधी आधी से नींद थी अब मैंने कहा चलो दस मिनट बाद देखते हैं कितने बजे तीन बज के उन्नीस मिनट पर पानी गिरा थोड़ी सा याद है सह सहसा जी अब उन उठ करके नीचे आ गए उस सोते हुए समय भी आप जाग रहे थे कि मुझे अभी सोना तो है इसके बाद उठ करके ध्यान करना है अपना अध्ययन करना है सोते नहीं रह जाना है और आप लोग बोले अब उठाना नहीं जब तक नींद नहीं खोले हमारी माँ बेटे को उठाने के बोले कितनी बार होती है बेटा, 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 अरे हम सो रहे अभी हाँ, हाँ हाँ ठीक ठीक सो रहे हैं। ये सोते हुए भी सो रहा है एक सोते हुए भी जाग रहा है आप सोते हुए भी जागें ज्ञान आपको जगाता है ये जो स्कूल है कॉलेजेस हैं ये ज्ञान के केंद्र हैं ये आपको जागृत करने के लिए हैं सुलाने के लिए नहीं है लेकिन यहाँ पर भी आकर के नहीं जागे तो कब जाओगे फिर कब जाओगे मैं ज्यादा दिन स्कूल नहीं गया पढ़ाई पूरी करी है ट्वेल्थ तक किया फिर उसके बाद बीबीए किया एम बी ए किया लेकिन मैं ज़्यादा दिन स्कूल कॉलेज नहीं गया मुझे लगता था कि ये सब व्यर्थ की चीजें हैं इनको करने से कोई मतलब नहीं बस पास हो जाओ लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि जो नॉलेज जनरल है वो तो होना चाहिए पेड़ में स्टेम होती है पत्तियां होती हैं जड़ों से वो पानी लेकर के ऊपर ऊपर भेजता है ये जानने की मुझे कोई जरूरत नहीं है मुझे इतनी जरूरत है कि ये पेड़ है कौन सा है और लिविंग थिंग है जीव है मुझे इसकी हिंसा नहीं करना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम अभी पचास साल और लगाए तो भी सुधरना मुश्किल है पढ़ाया वो जाता है जो काम का नहीं पढ़ा वो जो काम का है प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी जा रही इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट नाम की कोई चीज बची नहीं है बुरा लगे तो करो ऐसे भी देश हैं कि बच्चा बोर हो रहा था वो क्लास से उठ करके बाहर आ गया और पेड़ के नीचे बैठ गया टीचर कहती देखो बेटा ये टाइग्राम ये जो ना पेड़ स्टेम कहलाता है ये इसका तना है ये पत्तियाँ हैं पानी रूट में डालते ताकि वो सब जगह दे पानी पत्ती में नहीं डालते बच्चे को प्रैक्टिकल पढ़ाते हैं आप आप लोग क्या सिस्टम एजुकेशन सिस्टम है थर्टी परसेंट थर्टी फाइव परसेंट के लिए प्रयास करता है बच्चा तो गधा रह जाता है विदेश में सेवेंटी फाइव परसेंट पासिंग मार्क्स है आपके यहाँ कितना है कॉलेज में थर्टी ये थर्टी फाइव का सिस्टम क्यों हुआ पता है आपको क्यों हुआ विदेशियों ने आपके यहाँ का इंडियन इंडियन एजुकेशन सिस्टम डिसाइड किया बोले आपके यहाँ तो भाई इलिट्रेसी रेट बहुत ज़्यादा है तो आप क्या करोगे अब आपके वैसे भी लोगों को ज़्यादा कुछ आता तो है नहीं तो पासिंग मार्क्स कम कर दो तो लिटरेसी रेट बढ़ जाएगा पासिंग मार्क्स कम कर दिए और गधे हो गए क्योंकि तो बच्चा पैंतीस चालीस के लिए प्रयास करता है और विदेश में जाओगे आप लंदन जाओ अमेरिका जाओ वहां पर पासिंग मार्क्स सेवेंटी फाइव परसेंट है वहां का कथा और तुम्हारे यहाँ का होश यार बराबर है क्योंकि वहां पर ज्ञान जो दिया जा रहा है वो डिग्री के लिए होश के लिए दिया ही नहीं जा रहा आप जागृत हो वो जो ज्ञान आपके सोए हुए को जगा दे वो है ज्ञान सहज सागर जी अप्रमय सागर जी अपने पास जो ज्ञान है वो अपन को जगा रहा है सुला नहीं रहा आपके पास जो ज्ञान आ रहा है देखो वो आपको जगा रहा है कि सुला रहा है जरूरी नहीं कि स्कूल कॉलेज में सुलाया ही जा रहा हो अवेयरनेस की चीजें भी रहती हैं बात समझना में क्या कह रहा हूं एक ज्ञान जो आप लोग देखते हो नॉलेज इंफॉर्मेशन एक ज्ञान जो मैं आपसे कह रहा हूं वो अवेयरनेस अवेयरनेस वाले ज्ञान की ओर हो, हो। सुबह की नीति याद है आप लोगों को सुबह की नीति याद है कि नहीं प्रोफेशनल हो जा दूसरों को उतना ही समय दो जो आपके पास एक्स्ट्रा हो बिल्कुल मत दो मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है इसलिए मैं यहाँ दे रहा हूँ नहीं वो तो मैं देते ही नहीं गेट लगाऊंगा मैं अपना समय करूंगा अपना ध्यान करूंगा तुम जानो फिर तुम्हारा काम जाने प्रधानमंत्री भी हो तो बाहर रहे फिर हमें कोई मतलब नहीं क्यों क्योंकि मैं देश के राजा के लिए या देश की प्रजा के लिए नहीं मुनि बना मैं अपने लिए साधु बनाऊं, मैं ज्ञान आहार के लिए साधु बनाऊ शरीर को तो चलाना पड़ता है शरीर को चलाना पड़ता है ओ भाई मंगलम शरीर को चलाने के लिए भोजन देना आत्मा को दौड़ाने के लिए ज्ञान का भोजन देना इसलिए आप लोग दौड़ दौड़ के आते हो रोज एक घंटे भोजन लेके जाते हो ताकि मेरी आत्मा होश में रहे बेहोश ना हो जाए और जो ज्ञान आपको आप में लगा दे जो बाहर ना ले जाकर के आप तक ले जाकर के छोड़ दे वो ज्ञान है अभी आप देखना एग्जाम ऑन होगा आपका सरस्वती की मूर्ति के सामने बच्चे ऐसे ऐसे करते मिलेंगे क्यों पेपर अच्छा, तो पेपर अच्छा चला जाए अरे भाई तू साल भर पढ़ ले तो पेपर अच्छे से चला जाएगा ना एक बच्चा मेरे पास आया बोले महाराज जी आशीर्वाद दो अच्छे नंबर आ जाए मैंने कहा टीचर को दें कि तुमको दे नंबर तो टीचर देगी नहीं नहीं आप तो अच्छा आशीर्वाद अच्छा अच्छा कि नंबर आ जाए मैंने कहा पेपर कैसा गया है पेपर तो ठीक ठाक गया है तो मैंने कहा नंबर भी ठीक ठाक ही आएंगे भाई मेरे आशीर्वाद देने से अगर नंबर अच्छे आ गए तो फिर टीचर का क्या काम ना भागी देना भाग ठीक है मैडम का अगर सर का अगर चेहरा प्रसन्न है तो रॉन्ग को भी राइट हो जाता है और अगर थोड़ा बहुत भी मूड ऑफ है अगर तेरे नाम से मूड ऑफ है तो तो गया वो ट्रैफिक हवलदार जैसा उसने गाड़ी रोकी जरा आओ किनारे आओ हाँ सर गाड़ी कागज सर एक कागज लाइसेंस सर लाइसेंस हेडलाइट ऑन करो इसमें अपर डिपर नहीं पाँच का चलान साइड स्टैंड खोलो सर साइड स्टैंड 200 का चालान नंबर प्लेट नियम के बाहर है ढाई का चालान, ट्रैफिक हवलदार चाहे वो ट्रैफिक पुलिस वाला किसी बात पे चालान काट सकता है आपका उसके बाद बहुत सारे क्लॉज़ेस हैं हेलमेट तुमने उतार तुमने हेलमेट कैसे उतारो हेलमेट लाओ, दो सौ रुपये का चला ऐसे टीचर है अगर टीचर के मन में आ गया बच्चा तिर जाएगा मेरे जो टीचर थी मेरे से बड़ी खुश थी मैं कॉलेज नहीं जाता था फिर भी इंटरनल मुझे मेरे को आउट ऑफ टेन नाइन नाइन पॉइंट फाइव मिलते थे मैं कॉलेज जाता ही नहीं था एग्ज़ाम इंटरनल एग्जाम भी नहीं देता था तब भी वो खुश थी क्यों उनको पता था कि अगर इंटरनल दे दिए तो बाकी तो मैच निकाल लेगा तो एक बार एक टीचर ने सेवन दिए बोले तेरे को सेवन दिए मेरे को मेरे को क्या की चिंता है मेरे को तो पास होना है तो आप तो तीन दे दो तो तो मेरे को चिंता नहीं नाइन दोगे तो कॉलेज में टॉप करूंगा तो आपका ही नाम चलेगा कॉलेज का टॉपर है बच्चा तो मैडम ने फिर उसको नाइन पॉइंट फाइव कर दी ये मैंने कहाँ से बोला मैंने ज्ञान से बोला मैंने ज्ञान से बोला कि आप जागते रहे एक ध्यान और एक अध्ययन ये भी आत्मा का भोजन है आप सब प्रतिबुद्ध लोग हैं आप लोग समाज के वो वर्ग के लोग हैं जो स्वयं भी जीते हैं और दूसरों को जीने की कला भी सिखाते हैं किसी और का भविष्य भी बनाते हैं अपना भविष्य भी बचाते हैं तो मेरा कहना है कि बच्चों को ध्यान की ओर भी लाएं। चीजें याद करने से पढ़ने से ही याद नहीं होती ये निकाल दीजिए दिमाग से बातें स्टोरेज कैपेसिटी होना चाहिए ये कितनी उंगली है बताइए कितनी उंगली है अच्छा मोड़ दिया तो उंगली उंगली खत्म हो गई अच्छा ये क्या है सांप हाथ को ऐसा मोड़ दिया तो सांप हो गया वाह सांप ये सांप भी है इसकी आकृति यू बना दी गई है ये बोल दिया कितनी उंगली तो बोले दो उंगली संकेत की अपेक्षा से दो उंगली वैसे पांच उंगलियां है वैसे तो पूरा हाथ ही है देखो सह सागर जी लोग अर्जन कर रहे हैं लेकिन सुरक्षा का कोई विचार नहीं एक व्यक्ति ने बहुत पैसा कमाया घर में गाड़ी की डिक्की में अलमेरा में सब जगह भर के रखा एक दिन डाकू आए चुरा के चले गए कमा लिए लेकिन स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं है भाई आशीष कमाओ भी और रखने की जगह भी तो हो ग्राहक दुकान तक आए लेकिन दुकान में आने के बाद ग्राहक माल लेकर भी जाए तब तो बात बात फुटफॉल इतने इंपॉर्टेंस नहीं रखता जितना सेल्स रखती है मैनेजमेंट वाले कहते हैं कि फुटफॉल अच्छा होना चाहिए क्यों होना चाहिए भैया फुटफॉल फुटफॉल से क्या होगा पहुंचा लगेगा और क्या होगा दुकान पे? आपकी सेल्स कितनी है सौ लोग आकर के गए हैं लेकिन दो ही लेके गए हैं तो आपका फुटफॉल अच्छा नहीं है आप सोचिए आप अध्ययन कर रहे हैं अर्जन कर रहे हैं स्टोरेज कितना है बच्चों को आप पढ़ाती स्टोरी सिखाइए पहले इसलिए अध्यक्ष महोदय बच्चों को यहाँ ध्यान भी सिखाएँ बॉडी में उनके माइंड में उनकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाएं अगर उनकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गई तो एक बार में चीज़ें याद होंगी और वो स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने वाला ध्यान है पहले बिजली बनाते हैं कि बिजली को स्टोर और ट्रांसफ़र करने की व्यवस्था करते हैं बताइए पहले बिजली बना ली अब कहाँ पनी में रखोगे क्या थैले में रखे घूमोगे पहले से वो तार डलते हैं कम्बे लगते हैं बिजली ट्रांसफर करने के लिए वैसे ही मेरा आप लोगों से भी कहना है अपने अंदर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाएं और वो स्टोरेज कैपेसिटी आत्मा का भोजन है वो है ध्यान क्या है वो ध्यान कुछ मुद्राएं कुछ बीजाक्षर ये सब आपके अंदर की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाती है अभी आपके माइंड में बहुत कैपेसिटी है हजारों हार्ड डिस्क कितनी हजारों हार्ड डिस्क का डाटा आपके दिमाग में है कोई दु, कोई, दु, कोई दुबई गया कभी विदेश घूमने गया कभी कोई सिंगापुर दिख रहा है सिंगापुर आंख बंद करो सिंगापुर दिखता है पूरा कहां रुके थे कौन से फ्लैट में थे वहाँ बिल्डिंगें थी वहाँ ये बीच था वहाँ ये था सब दिख रहा है वो जो डाटा एक हार्ड डिस्क में आएगा वो आप आंख बंद करते दिख गया लेकिन इतना बड़ा डाटा थोड़ी सी बातें आपके मन में लग गई और डाटा पूरा डिस्टर्ब क्योंकि आपके पास धारणा शक्ति नहीं है रिटेंशन पावर नहीं है हाँ वो कह रहे कि वायरस आ गया सब एक मिनट में डाटा ख़त्म क्या हो गया डाटा खत्म एक दिन में डाटा खत्म इस चीज को समझे धारणा शक्ति बढ़ाएं, आत्मा में अगर धारणा शक्ति बढ़ गई तो आपको ज्ञान का अर्जन करना सार्थक है जो एक बार पढ़ लो वो छप जाए वो मिटे ना जेके जैन साहब लेकिन अच्छी बातों को धारणा में रखना बाकी का तो रिसाइकिल बिन के बाहर ओम डिलीट आय नमा छोटी सी जिंदगी है ज्यादा चीज़ों पर गौर करोगे ज्यादा चीज़ों को अंदर रखोगे दुख बढ़ेगा मैं क्या करता हूँ पुनीत चीजों को सुनता हूँ समझता हूँ जो अच्छी है वो ग्रहण कर लेता हूँ नहीं है बोल करके खत्म बाहर बात खत्म कौन इतना पंचायत करेगा लोड लेगा कौन परेशान होगा तुम्हारा तुम जानो हम ना यहाँ जिंदगी भर के लिए आए यहाँ दो दिन का फिर कहीं एक दिन का कहीं दस दिन का फिर कहीं और बच्चे कोचे पंद्रह बीस दिन का फिर तो अपन मालिक भारत के हैं जहां इच्छा वहां घूमेंगे फिर से इंदौर चलेंगे भवितव्य तो मैं सोच रखा था कि तीन चार साल इंदौर नहीं आऊंगा तीन चार साल इंदौर नहीं आऊंगा मैं सोच के रखा था लेकिन अब ऐसा क्या कर सकते नियोग है कि गुरुदेव ने भुला ही लिया इंदौर यही मैं आप लोगों से कह रहा हूं स्टोरेज पावर बढ़ाएं गुड स्टोरेज पावर बढ़ाएं एक आपके पास टेम्प्रेरी मेमोरी एक परमानेंट मेमोरी है मेरी तरफ से आप अपने बच्चों को ज़रूर देना जो टेम्प्रेरी मेमोरी में रखने की चीज़ है वो टेम्प्रेरी रखें जो परमानेंट में रखने की चीज परमानेंट रखें आपने गैस दूध में रखा है दूध में दूध को गैस में रखा है आपको पता है कि दस मिनट बाद पकेगा तो टेम्प्रेरी मेमोरी रख दो दस मिनट बाद गैस बंद करना है लेकिन कुछ चीजें डायरेक्ट स्टोरेज परमानेंट में रखें आप गुरुओं के पास आए प्रभु के पास आए उनसे जो चीजें मिली उसको टेम्प्रेरी में ना रखें डायरेक्ट डायरेक्ट परमानेंट में नहीं तो ऐसा होता है कि जब गुरुजी आते हैं तो लोग कहते हैं जय जय गुरुदेव क्या बोलते हैं बोलो एक बार नहीं, नहीं 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 जब गुरुदेव आए तो लोग कहते हैं जय जय गुरुदेव क्या बोलते हैं और जब गुरुदेव गए अरे यार गए गए गुरुदेव काम खत्म चलो हो गया समय बचाओ अपन वापस पंचायत में लग जाओ लेकिन जिसका स्टोरेज अच्छा होता है वो कहता है कि रह गए गुरुदेव आप अपनी स्टोरेज पावर ध्यान से ये जो मुद्रा है ये सर्वतोबद्ध मुद्रा होती है या जब खाली बैठे हो तो इस मुद्रा पर बैठे पढ़ रहे हो तो इस मुद्रा में बैठ करके पढ़ें खाली बैठे कुछ काम नहीं ट्रेवलिंग कर रहे हैं आप यूं बैठ करके सुनें चीजें आपके माइंड में जाएंगी दोनों माइंड आपके ज्वाइंट होंगे दोनों अलग अलग माइंड ज्वाइंट नहीं है पॉइंट समथिंग परसेंट आपके ज्वाइंट हैं अगर वो पूरा माइंड ज्वाइंट हो जाए तो आप केवली भगवान बन जाएंगे ये ध्यान की शक्ति ये ध्यान का आकर्षण ये ध्यान आत्मा का भोजन है और अंतिम बात अध्ययन महाराज जी ज्ञान और अध्ययन में क्या अंतर है कोई बताएगा ज्ञान तो बाहर की चीजों का भी होता है अध्ययन सिर्फ अंदर का होता है मैं कौन हूं मैं कहां से आया हूं मुझे कहां जाना है अपनी बात जो आपको समझ में आ रही है वो अध्ययन है ये आत्मा का भोजन है आपको बात समझ में आएगी आज मेरी सामान्य लोग केवल शरीर को भोजन देते हैं और वो भी योग या योग कुछ भी मिल जाए कई लोग जो नॉनवेज खाते हैं मतलब मैं किसी को हर्ट नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों में से कोई नॉनवेज खाता है जो भी खाता हो या आपको पहचान के खाते हो उनसे एक बार बोलना भैया ये तुम्हारा पेट है कोई कब्रिस्तान नहीं है कि दूसरे के शरीर को तुम रखते रहो ये कब्रिस्तान है जो चाहे वो रख लो मैं जैनों से कह रहा हूँ आप लोग नॉन वेजिटेरियन है, है अभी टाइम लगेगा होटल में खाते हैं तो आप वेजिटेरियन नहीं है नहीं हो तो आप एक काम करना मैं आपको यहीं कोटा का एड्रेस देता हूँ एक आदमी का वो यहाँ की होटलों में ग्रेवी सप्लाई करता है उससे मिल के आना बोले आप जैन अगर होटल में खाते हो तो आप जैन नहीं हो मैंने पूछा उसको पूछा क्यों बोले टमाटर कितने रुपए किलो हैं बोले माना कि पच्चीस रुपए किलो अभी कितने रेट है कितना साठ रुपए किलो अस्सी सौ साठ रुपए किलो बोले हम पांच सात आठ दस रुपए इससे ऊपर के टमाटर लाते ही नहीं हैं जो सड़ जाते हैं गल जाते हैं उसकी ही हम ग्रेवी बनाते हैं और आप जैन लोगों तो कम से कम नहीं खाना चाहिए भैया ऐसा वो ग्रेवी वाला बोल रहा है और बोले यही ग्रेवी मेरी वेज में जाती है और यही ग्रेवी नॉन वेज में जाती हो जब आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो समझना तो वही ग्रेवी वेज नॉन वेज वाली इसमें से नॉन वेज हटा करके आपको दे दी जाती है बोले कभी मौका पड़े तो आप चेक करा लो अब आप बताओ कितनी वेजिटेरियन हो कितनी नॉन वेजिटेरियन हो कोई डायरेक्ट खा रहा है और आप इनडायरेक्ट खा रहे हो बात तो वही है बस वो टैग वाले जैन हो टैग वाले नहीं बनना अपन को ब्रांड वाले जैन बनना है ब्रांड वाले मनुष्य बनना है मैं आप सबसे भी कह रहा हूं जो जो बच्चे आपके फास्ट फूड खाते हैं या ऑनलाइन ऑर्डर आप करते हो आपके धर्म को भ्रष्ट किया जा रहा है कुछ वीडियोस आपको देखने मिलते हैं कुछ नहीं मिलते हैं और आप उन वीडियो को देखते हो अच्छा ऐसा होता है कि पानी फुल्की के पानी में कोई भी पानी फिर भी आप वहीं जाके खा लेते हो सोचना विचार करना नॉलेज कितना है आपके पास अवेयरनेस कितना है मेडिटेशन कितना है और स्पिरिचुअल नॉलेज कितना है आपके पास इन सब से ऊंचा उठना है आपको भगवान बनना है हम विशेष हैं हम सामान्य नहीं हैं, हम पुरुष नहीं हम महापुरुष हैं यहां जो बैठे इस तरफ के लोग हम तो महिला हैं हम तो पुरुष हैं ही नहीं 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 आप भी पुरुष हैं अध्यात्म कहता है अस्थि पुरुष आत्मा जो जो आत्मा है वो सब पुरुष हैं अंतर इतना है कि हम स्त्री पर्याय को प्राप्त हुए वो पुरुष पर्याय को हैं हम सभी पुरुष यानी आत्मा ज्ञान करें ध्यान करें अध्ययन करें बहु लाभ मिलेगा सुख और आनंद बढ़ेगा और संसार के चक्र से आपकी रक्षा होगी क्या गजब के दृश्य से मैंने देखे ताज़ा ताज़ा मुर्गी का चूजा ऐसा नीचे गिरा अंडा उसका बच्चा निकला और उसकी आँख खुली और नीचे मिक्सर था उसमें पिस गया उसका पूरे जूस चटनी निकल गई नीचे से पेस्ट बनकर के उसका निकला और बोले एक पेस्ट कहाँ यूज होता है बोले जब भी ये जो होटल्स में यूज़ होती है थोड़ा सा डाल देते हैं तो कुरकुरा बना जाता है मैं तो दृश्य देख के दंग रह गया अभी इस स्क्रीन में आज आप शाम को जरूर दिखाना मेरा विश्वास है कि पूरा वीडियो आप नहीं देख पाओगे जिसने वीडियो बनाया तीन घंटे की वीडियो में से उसने तीन मिनट का वीडियो बनाया है और तीन घंटे का वीडियो बनाने के बाद बोले कि महाराज जी मेरा भी दिमाग स्थिर नहीं है अवेयरनेस लाएं धारणा लाएं ज्ञान बढ़ाएं सच को जानेंगे तो आप सच को जानेंगे तो संसार के चक्र से बच सकते हैं अपना भी ज्ञान होगा दूसरे का भी ज्ञान होगा और यही ज्ञान आहार साधु की जीवन शैली है साधु का काम तप करना श्रुत में लीन रहना समाज के बीच में बैठ करके पैसा इकट्ठा उठा के चंद पंचायत करने का काम साधु का नहीं है मैं यहाँ पर आने के अगर इनसे एक लाख ग्यारह हज़ार रुपये मांग लूँ कैसा लगेगा आपको अरे यार आप बोलोगे कि यार महाराज जी क्या बोल रहे हैं आप पैसा लोगे क्या साधु कब से सत्संग के पैसे लेने लगे साधु कभी पैसे नहीं लेते सत्संग के जो लेते वो साधु ही नहीं है साधु तो सिर्फ देते हैं उनका काम देने का है लेने का उनका काम नहीं है लोग उनको देते हैं सिर्फ अपनी श्रद्धा देते हैं मुझे क्या लेना देना आप लोगों से मैं आज ही आऊं कल कहीं और परसों कहीं और और मस्त मजे में क्यों ना कपड़े पहनो ना कपड़े धो आदमी आए उनको धो अरे धोते धोते वो भी तो भगवान बनेंगे कल धोबी काट के सामने से निकले हम लोग आपके यहाँ के तो एक कहर तो महाराज यहाँ साबुन लगाते नहीं है केमिकल इतना है नाली में वो ऐसे साफ हो जाते हैं कपड़े मैंने कहा अच्छा धोबी काट है आपने धोबी को कपड़े दिए रजक को उसने फट के धोए आपको कोई अधिकार नहीं है बोलने का कि भैया धीरे से धो तुमको साफ करके प्रेस करके मिलेगा आप आए हो सत्संग में प्रवचन सभा में आपको कोई अधिकार नहीं बोलने का कि क्या बोलना चाहिए कि नहीं आप तो आओ धुलाई कराओ साफ होके जाओ ऐसा अपने अंदर आप आध्यात्मिक प्रबंधन जागृत कीजिएगा रहना सबके साथ लेकिन जीना खुद के लिए रहना सबके साथ है जीना खुद के लिए अब थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाना थोड़ा सा टाइट हो जाना ऐसा नहीं हो जाए कि फोर सीटर गाड़ी में तुमको ही गोदी में बैठ के जाना पड़े और गाड़ी तुम्हारी थी थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाओ लाइफ में ज़्यादा ओपन रहोगे तो लोग कीमत नहीं करेंगे ईजिली अवेलेबल हो जाओगे तो लोग कीमत नहीं करेंगे अवेलेबल हो लिमिटेड टाइम के लिए हो जितने में तुम्हारा काम हो जाए बाकी मैं अपने लिए जीऊँगा ये करोगे तो स्पिरिचुअल मैनेजमेंट आपका लाइफ का बनेगा शरीर के साथ साथ आत्मा को भी अभी तक आप लोगों ने इतने दिन तक शरीर को भोजन दिया था आज आपने अपनी आत्मा को भोजन दिया है आप सभी अपने आत्मा को भोजन दें आध्यात्मिक प्रबंधन की ओर आएं, स्पिरिचुअल मैनेजमेंट की ओर आएं, तो विशुद्धि जारी है वरना विशुद्धि आप सभी अपनी विशुद्धि जारी रखें शेष मध्यान्ह में अपन विचार करेंगे भगवान महावीर स्वामी की